दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम चिकन लेंगे। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम, और इसे इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ड्राई थाइम ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम साइड पर रख देंगे। एक बोल लेंगे, उसमें हम एक अंडा ऐड करेंगे। टू पिंच के करीब नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मिला लेंगे इसे भी। अच्छे से मिक्स करें इसे ताकि कोई लम्स ना रहे। अंडे के बैटर में हमने जो चिकन को मैरिनेट किया है उसे डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स से चिकन नगेट्स की हम अच्छे से कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम से इसे अच्छे से कवर करेंगे। सारे नगेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। तीस मिनट हो गई है, ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म है। नगेट्स को ऑयल में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। सारे चिकन नगेट्स को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर क्रिस्पी और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसे पलटते रहें ताकि सभी साइड से अच्छे से कलर आ जाए। बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। इसी तरह सारे नगेट्स हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स हमारे रेडी हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।